हिमाचल प्रदेश अपने प्रदेश भाजपा सरकार पर कर्ज मुक्ति को लेकर विफल रहने का आरोप लगाया है। आपने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार कर्ज लेकर काम चला रही है, जिसके बोझ तले आम आदमी दिन प्रतिदिन दब रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बिजली व सीमेंट का उत्पादन होने के बावजूद लोगों को महंगे दामों पर बेचा जा रहा है, लेकिन आप इन दिनों प्रमुख मुद्दों पर अपनी रणनीति तय करेगा ताकि हिमाचल प्रदेश एक आत्मनिर्भर बन सके, जिसके लिए आपने अभी से तैयारियां कर ली हैं। यहां पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए आप प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर डीपी पांडे एवं आप प्रदेश सचिव अमर सिंह चौधरी ने कहा कि प्रदेश भाजपा सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वहीं कोविड 19 के दौरान समाज के हर वर्ग की हालत दयनीय हो चुकी है। ये सरकार लोगों के हितों की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। ऐसे में अगर आप हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज होगी तो आप वर्ष 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के एनपीएस के मुद्दे, बिजली व सीमेंट के दामों को कम करेगी तथा हिमाचल प्रदेश में दिल्ली के विकास मॉडल को लागू किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की वर्तमान समय में चल रही ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश कार्यकारिणी ने पार्टी विरोधी कार्यों के चलते नंदलाल चंदेल एवं आर के मंडोत्रा को प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। आप प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर डीपी पांडे एवं प्रदेश सचिव अमर सिंह चौधरी ने कहा कि आप केवल राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर आम जन के साथ है। इसी के चलते आप कोरोना काल में पूरे हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 10,000 ऑक्सीमीटर ला रही है, जिससे लोगों को ऑक्सीजन स्तर पर स्वास्थ्य जाँच की जाएगी। डॉक्टर तेज प्रताप पांडे प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन होता है, लेकिन ये सीमेंट हिमाचल प्रदेश में ही महंगा है। पंजाब हरियाणा में ये सीमेंट सस्ता है। इसी तरह से बिजली का उत्पादन है, लेकिन बिजली हिमाचल प्रदेश में महंगी है और बाकी प्रदेशों में जो सब्सिडी पर दे रहे हैं वो सस्ता दे रहे हैं। और हिमाचल सरकार इन मुद्दों पर बिल्कुल फेल रही है, कोई भी नीति नहीं बना सकी, किसी प्रकार का कुछ नहीं करता। कर देती है और कर्ज लेकर के पेमेंट देती है, कर्ज मुक्त कैसे होगी इसके लिए आगे नहीं किया और सरकार बहुत बुरी तरह से फेल जा रही है। इसके ऊपर हमारी पार्टी ने काम शुरू कर दिया है। इस तरह से हिमाचल मुक्त बनाएंगे और समृद्ध बनाएंगे, हिमाचल को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, हमारी इस पर काम रही है। और हिमाचल को हम समृद्ध बनाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम बना रहे हैं। अभी ऑक्सीमीटर आ रहा है और इसको तमाम लोगों को टेस्ट किया जाएगा, इसके लिए किया जाएगा जो हजारों की संख्या में होंगे ऑक्सीमीटर। दिल्ली का भी हम करेंगे और बढ़िया ढंग से कम करेंगे, बेरोजगारी के लिए भी करेंगे और जज लगाकर हम लोगों को अपने बनाने का प्रयास करेंगे। और जितने भी हिमाचल प्रदेश में जो सरकार की बताई रही है उसके ऊपर हम कम करके सरकार को साथ करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार हट के और हिमाचल को हम समृद्ध बनाने का काम करेंगे।